छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने एक बार फिर आगजनी कर मोबाइल टावर में आग लगा दी है। आपको बता दें कि नक्सलियों का उत्पात बहुत बढ़ चुका है, एक बार फिर उन्होंने अपना उत्पात मचाया है और खुद के होने की गवाही दी। यहां नक्सलियों ने एक बार फिर हार्डकोर गांव में मोबाइल टावर में आगजनी करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। यह क्षेत्र अबुझ माड़ का क्षेत्र है, जहां बारसूर के नारायणपुर जाने वाले मार्ग पर यह टावर है और ये वो गांव है जहां नक्सलियों ने उसी टावर को निशाना बनाया है। तो आपको बता दें कि ये नक्सली समय समय पर अराजक कार्यों के द्वारा अपनी उपस्थिति का सरकार को एहसास बनाने की कोशिश करते हैं और गलत कार्य करते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव में बैकफुट रहने पर नक्सली आक्रामक हुए थे। दंतेवाड़ा के चुनाव के दौरान बैकफुट में रहने वाले नक्सली अब सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि न सिर्फ इन्होंने नुकसान पहुंचाया बल्कि जगह जगह पर्चे भी फेंके हैं। नक्सलियों के इस तरह के अराजक कार्यों से निपटने के लिए गोरिल्ला टीम भी बनाई गई है, परंतु यह बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार रात भासी में जमकर उत्पात मचाने के बाद नक्सलियों ने यहां की गई आगजनी में प्रेस नोट भी जारी किया। आपको बता दें कि प्रेस नोट जारी करके जवाबदारी भी ली है और बेलाडीला से दंतेवाड़ा के बीच बन रही सड़क का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें इस तरह जनता की सुरक्षा को भी खतरा है और एक बार फिर सरकार के साथ प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। जियो के टावर में आगजनी कर दी, जिससे कहीं ना कहीं इनका यह सोच है कि जनता को नेटवर्क से अलग किया जाए और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बड़ी आबादी को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ेगा। दंतेवाड़ा में नक्सली अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर सरकार को संदेश देने की कोशिश की है।